हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1.14 देखो। कहता है फिगर 1.33 में तीन पार्टिकल्स हैं चार्ज और उनको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रख दिया है। मतलब तीनों के लिए फील्ड क्या होगी? कांस्टेंट। आपको केवल साइन बताने हैं तीनों पार्टिकल्स के और ये कहना है कि किस पार्टिकल का सबसे ज्यादा है चार्ज टू मास रेशियो, मतलब E बाय एम का टर्म, और इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा वो Q बाय एम का टर्म। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं पता ना अपन को। तो बच्चों देखो, ये लिखे हैं प्लस के टर्म्स और ये लिखे हैं माइनस का प्लेट है। तो देखो आप पार्टिकल वन और टू क्या कर रहे हैं, ये लोग प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मीनिंग है कि ये ऑब्वियसली माइनस होगा और ये भी क्या होगा, माइनस। तो ये वाला पार्टिकल भी नेगेटिव हो गया और ये पार्टिकल भी क्या हो गया, नेगेटिव। थ्योरी में कैसे लिखोगे आप लोग? पार्टिकल वन एंड टू, ठीक है, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव, हेंस दे आर नेगेटिव। सिंपल हो गया ये वाला आंसर। और इसी का उल्टा वाला पॉइंट अपन इसके लिए पढ़ लेते हैं। ये पार्टिकल थ्री है, देखो नेगेटिव पे आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, अपने आप में प्लस होना चाहिए। तो एंड वाइस वर्सा फॉर थर्ड पार्टिकल, ये कैसा हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, तो यहां मैं फिर से लिखता हूं सेकंड स्टेटमेंट। पार्टिकल थ्री अट्रैक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव, ये कहां जा रहा है बच्चों, नेगेटिव पे, इसलिए इसको अपन क्या बोल देंगे, हेंस इट इज पॉजिटिव। ये तो बात हो गई अपने फर्स्ट पार्ट की। सेकेंड पार्ट में चार्ज टू मास रेशियो पे आ गया ये। अब सब ध्यान दो कि इन तीनों के पास इनिशियली जो स्पीड है वो एक्स पे है, और अगर मैं कहूं कि एक्सेलरेटेड मोशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे मिलने लग जाएगा, एक्सेलरेशन मिलने लग जाएगा। तो एक्सेलरेटेड मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे पढ़ते हैं अपन, एस इज इक्वल टू लिखते हैं यूटी प्लस 1/2 एटी का स्क्वायर। इसको y पर बैठ के लिख दीजिए आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा y, ये हो गया u ऑफ y t प्लस 1/2 एक्सेलरेशन जो y के पे है, और ये हो जाएगा t का स्क्वायर। ये टर्म तो है नहीं क्योंकि इसके पास केवल क्या होगा, x का टर्म ही होगा। तो y का एक्सप्रेशन कितना आ गया, 1/2 एक्सेलरेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में कितना होता है, ये होता है चार्ज e डिवाइड बाय m, और ये हो जाएगा t। प्रॉब्लम को देखो, तीनों के लिए टाइम, ये हाफ का टर्म और फील्ड क्या है, कांस्टेंट। तो आप कह सकते हो जो y है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ चार्ज और मास पे, और यही अपन से पूछा गया है। इट इज नोन एज चार्ज टू मास रेशियो। तो वो डिपेंड कर रहा है बच्चों किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे। इन तीनों को देखो, सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तो थर्ड ने करी है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस। तो आंसर हो जाएगा ये लास्ट वाले सेक्शन का, चार्ज टू मास रेशियो इज मैक्सिमम फॉर पार्टिकल, ठीक है, फॉर पार्टिकल नंबर थ्री। सीधा आंसर यहां से मिल रहा है, पूरे एक्सप्रेशन की जरूरत तो थी नहीं अपन को, और इन लोगों का डेविएशन देखकर ही अपन ये तीन बातें लिख सकते हैं बच्चों। ओके,